हम सीधा चल रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिविलगंज सारण के भीतर प्रवेश करते हैं और यहाँ कुछ चंद लोग हैं लोग हम जी पहले व्यवस्था देखते हैं अगर डॉक्टर रीना सिन्हा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी CHC रिविलगंज। ठीक अब मैम बताइए आप कि अगर कोई अभी हमको प्रैक्टिकल डेमो रूम बताइए आप अगर कोई रिविलगंज हमारे साइड का पोर्शन का अगर कोई कोरोना वायरस के पेशेंट आता है तो आप प्राथमिक तत्काल कैसे क्या करेंगे? तो जिला से 3 मास्क मिला है जिसमें हम एक डॉक्टर लगाते हैं एक मेरे मेल स्टाफ लगाते हैं फीमेल स्टाफ लगाते हैं फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं बुखार होता है तो पैरासीटामोल देते हैं कुछ इस तरह का लक्षण मिलता है तो हम लोग सूचना देते हैं। तो क्या हम तो सुने कि कुछ लोगों ने बताया हमारा बयान रिकॉर्ड है कि हॉस्पिटल कुछ दवा वगैरह मिलवे नहीं करता है। दवा मिलता है कैसे नहीं दवा मिलता है डेली अच्छी चलिए डेली पड़ता है दवा अब मैं खुद सुबह से शाम तक रहती हूँ। आपकी उपस्थिति के लिए आपको हमारा चैनल आपको धन्यवाद देता है लेकिन आपका उपस्थिति हो और रोगी को कुछ नहीं मिले तो ऐसा धन्यवाद भी हमारा हमारे जो यहाँ के इंचार्ज जो मैडम हमारे जो चिकित्सक पदाधिकारी हैं ये सच्चाई से रूबरू कराएंगे आपको वास्तविक में हॉस्पिटल को क्या क्या सुविधा चाहिए। बस हम लोग को मास्क की आवश्यकता है दवा है हम लोग मास्क और सैनिटाइजर दो चीज़। हाँ मात्र हमको 3 ही मास्क मिला है और नीट मेडिसिन है वो। तो अब इसके आगे कोई शब्द बचा नहीं ये बिहार सरकार के हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी या मुख्यमंत्री जी ने उस दिन विधानसभा में डंका पे चोट के कहा कि सभी तरह की सुविधाएं हॉस्पिटल में मिली जाएंगी दी जाएगी सबको मास्क होगा आप ताजुब करें कि करते हैं कि आपको जहां हॉस्पिटल में खुद 3 मास्क हो तो क्या ये लोग कहां से व्यवस्था करेंगे कहां से ये लोग क्या कहते हैं मास्क अन्य लोगों को देंगे ये सारा ये पोल खोल खुलता है आपको इस अव्यवस्था का। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि प्लीज़ जनहित में लोकहित में प्लीज़ खिलवाड़ ना करें और किसी अपने माध्यम से संस्था के माध्यम से DM साहब के माध्यम से सरकारी संस्थाओं से आप इमीडिएट सभी अस्पतालों में जो आप मास्क कम से कम कर्मचारियों को आप दें साथ ही साथ अगर अलग से व्यवस्था कुछ मास्क और अगर आप बांटते हैं तो कम से कम जो भी रोगी अगर कैंपस में आते हैं तो उनको मास्क दिया जा सकता है तो कम से कम प्राथमिक आधार पर प्रथम दृष्टव्या के आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई के आधार पर हम इस कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर हम अपने सफरनामा के तौर पर वापस होते हैं। नमस्ते नमस्कार प्रणाम।